हेलो फ्रेंड्स, मैं भावेश सोरठिया स्वागत करता हूँ आप सभी का कल्पतरु एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। कक्षा 10 अंग्रेजी का पांचवा यूनिट प्लेइंग विथ फायर, इसके 3 सेशन हम कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा कि भारत में भी पटाखे बनना, 1992 में 60 करोड़ के पटाखे बेचे गए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत में पटाखे बनना शुरू हुआ, उसके पहले चीन से उसकी आयात की जाती थी, वगैरह वगैरह हमने पीछे के सेशन में डिस्कस किया है। तो जिन्होंने अभी तक पहले दूसरा और तीसरा सेशन नहीं देखा है, वो जल्दी से जाकर प्लेलिस्ट सेक्शन में वो आप देख सकते हो, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो नीचे जो लाल सब्सक्राइब बटन है उसको सब्सक्राइब कर लो, और बाजू में जो बेल आइकन हाईलाइट होता है उसको प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन अनेबल कर दो। तो हम शुरू करते हैं। इन शिवाकाशी फायरवर्क्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन अ नंबर ऑफ स्मॉल यूनिट्स। शिवाकाशी में पटाखे जो है वो छोटे छोटे एकमों में बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि यदि बड़ी मात्रा में बड़ी सी जगह में एक साथ उत्पादन किया जाए तो जब आग लगने की घटना घटती है तो बड़ी मात्रा में जानहानि और माल हानि हो सकती है। तो शिवाकाशी के अंदर आप देख सकते हो, नेट पर इसके वीडियोज है, छोटे छोटे रूम बनाए जाते हैं 10x10 के, और प्रत्येक रूम के बीच में जगह छोड़ी जाती है, और इन रूम के अंदर 2 या 3 लोग बैठकर ही काम करते हैं, और प्रत्येक यूनिट के बीच की जो जगह है वो एक दूसरे से आग लगने से बचाते हैं। 3 months बिफोर द फेस्टिवल ऑफ द बिजिएस्ट टाइम फॉर दीज यूनिट्स, जो दीपावली का त्यौहार है उसके पहले के 3 महीने इन एकमों के लिए बहुत ही व्यस्त समय है, यानी यहाँ पर तीव्रता से पटाखों का उत्पादन होता है। ऐसा नहीं है कि दीपावली के 3 महीने पहले ही, वैसे तो वहाँ साल भर 365 दिन पटाखों का उत्पादन होता रहता है, लेकिन जो फूटने वाले पटाखे हैं, जो बच्चे फोड़ते हैं न्यूज़पेपर वगैरह में लपेटे हुए, उनका उत्पादन 3 महीना पहले से किया जाता है। बाकी जो फुलझर वगैरह होती है उनका उत्पादन साल भर चलता रहता है। Fireworks are transported to every nook and corner of the country. Nook and corner yani in all the directions, sabhi dishaon mein, aur uniformity matlab the quality or state of being is same, yani ek saman roop se usko rakhna. To iska kehne ka arth kya hai ki Shivakashi mein jo patake bante hain usko desh ke sabhi kono mein bheja jata hai vahan vyavhar ke dwara. The working condition of these units are however far from satisfactory. ये जो एकम है उसमें काम करने की परिस्थिति को संतोषजनक नहीं है। Satisfactory का मतलब संतोषजनक, यानी जो रूल्स और रेगुलेशन का पालन होना चाहिए वो यहाँ पर होता नहीं है। लोग अपने नंगे हाथों से कार्य करते रहते हैं, बारूद को छूटे हैं, उसके पैरों को, शरीर पर सब जगह बारूद चिपका रहता है, और ऐसे में गलती से वो किसी चिंगारी के संपर्क में भी आ जाते हैं तो उसकी पूरी बॉडी जल सकती है। देर आर वेरी फ्यू टेस्टिंग फैसिलिटी फॉर क्वालिटी ऑफ यूनिफॉर्मिटी एंड हार्डली एनी सेफ्टी मेजर्स इन फोर्स, गुणवत्ता यानी या एक सरखे जो उसकी स्टैंडर्ड है, धारा धोरण है, उसको बनाए रखने के लिए चकासने की जो साधन है वो बहुत ही कम है, यानी क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए जो फैसिलिटीज है वो यहाँ पर बहुत ही कम मात्रा में है, और सुरक्षा की बात करें तो वो तो बहुत ही नहींवत है। दिस इज वाई वी हियर ऑफ एक्सीडेंट्स इन शिवाकाशी ईयर आफ्टर ईयर, इसी वजह से हम हर साल शिवाकाशी में होने वाले अकस्मातों के बारे में सुनते हैं। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट इंफॉर्मेशन ऑन हाउ टू मैन्युफैक्चर fireworks because it is not considered safe to give everybody the details. यानी पटाखे का उत्पादन कैसे होता है इसकी माहिती प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि सभी लोगों को इसकी जानकारी देना सुरक्षित माना जाता नहीं है। क्या पता कौन सी व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है और इसका कैसा इस्तेमाल करें, ज़्यादातर गलत इस्तेमाल होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है, इसीलिए आपको इसके रेयर वीडियोज ही YouTube पर देखने को मिलेंगे। है ज़रूर, लेकिन बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। ओनली अ वेरी फ्यू रिलायबल पर्सन्स आर टॉट दिस आर्ट, बहुत ही कम विश्वास पात्र लोगों को ही ये कला सिखाई जाती है। इन मैनी कंट्रीज फायरवर्क्स आर नॉट अलाउड टू बी यूज बाई इंडिविजुअल, यानी पटाखों का संग्रह करना और इस्तेमाल, सॉरी,
बहुत ही देशों के अंदर जो व्यक्तिगत रूप से पटाखे हैं उन पटाखों को इस्तेमाल करना किसी एक व्यक्ति के द्वारा, इंडिविजुअल का मतलब क्या है, व्यक्तिगत रूप से किसी एक व्यक्ति के द्वारा पटाखे का इस्तेमाल करने देना, वो कई देशों में प्रतिबंधित है। ओनली कम्युनिटी डिस्प्लेज स्पेशली ऑर्गेनाइज्ड विद द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट्स आर अलाउड। निष्णांतों की मदद से खास आयोजित किए जाने वाले जो सार्वजनिक प्रदर्शन है उसी को ही परमिशन दी जाती है, खासकर जो 31st के दिन में होता है वो वाला। अ ग्रेट डील ऑफ केयर इज टेकन फॉर सेफ्टी एट दीज डिस्प्लेज। बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यहाँ सावधानी बरती जाती है, ये जो प्रदर्शन वगैरह किए जाते हैं उसमें सुरक्षा की बहुत ही ध्यान रखा जाता है। However, since even children are allowed to play with fireworks in India, it is important to observe certain safety rules. फिर भी भारत में तो बच्चों को भी पटाखों के साथ खेलने दिया जाता है और चौक्कस सुरक्षा के नियमों का पालन करना यहाँ महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि बच्चे हैं उनको पता नहीं होता है और कई बार चलता हुआ पटाखा हाथ में ले लेते हैं और ऐसे में वो पटाखा फूटता है तो शारीरिक रूप से नुकसान कर बैठते हैं। फायरवर्क शुड बी स्टोर्ड हैंडल एंड लिट विथ केयर। पटाखों का संग्रह और इस्तेमाल बहुत ही सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। दे शुड नेवर बी स्टोर्ड और अनपैक्ड नियर फ्लेम गैस सिलेंडर्स और हीटर, यानी हीटर गैस की बॉटल हो या कहीं भी आग हो उसके नज़दीक पटाखों का संग्रह नहीं करना चाहिए या तो इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। वन शुड नेवर वियर लॉन्ग लूज क्लॉथ्स और नाइलॉन क्लॉथ्स व्हेन लाइटनिंग क्रैकर्स। जब भी पटाखों को जलाया जाता है तब लंबे ढीले ढाले कपड़े और नाइलॉन से बने कपड़ों को तो खासकर पहनना नहीं चाहिए, क्योंकि नाइलॉन ये प्लास्टिक से बने रेसे हैं और तेजी से आग को पकड़ते हैं। एंड सिंस द पाउडर इन क्रैकर्स इज पॉइजनस दे शुड नेवर बी कैरीड लूज इन योर पॉकेट और योर हैंड। पटाखों का जो पाउडर है वो बहुत ही जहरीला है, इसलिए उसको अपने पॉकेट में यानी अपने खिस्से में या तो अपने हाथ में रखना नहीं चाहिए। Also, fireworks should never ever be lit inside a house. घर के अंदर कभी भी पटाखों को जलाना नहीं चाहिए। Never bend over a firework when you are lightening it and never use fireworks to frighten people. पटाखे को फोड़ते समय उसके ऊपर झुकना नहीं चाहिए और लोगों को डराने के लिए तो पटाखे का इस्तेमाल कभी भी नहीं करना चाहिए। ज़्यादातर बच्चों की आदत कैसी होती है कि यहाँ पटाखा है तो उसके ऊपर ऐसे झुककर पटाखे को जलाते हैं, हकीकत में दूर से ही उसको जलाया जाता है ताकि पटाखा तेजी से फूटे तो भी हमें नुकसान ना हो। और कई बच्चे जो शरारती होते हैं तो वो दूसरे लोगों को डराने के लिए पटाखा उसके ऊपर फेंकते हैं, लेकिन उसकी 2 सेकंड की मजाक मस्ती किसी के लिए जानलेवा या तो जीवन भर की उसका नुकसान कर बैठते हैं। In spite of being careful, you do get a burn, go to doctor instead of applying oil or ointment. यानी सावधानी रखने के बावजूद भी यदि पटाखे से आप जलते हो तो तुरंत ही आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उस पर तेल या मलम वो लगाने की जरूरत नहीं है। यानी तेल या मलम लगाकर हम सुकून से बैठ जाते हैं लेकिन पटाखे की जो जलन होती है वो 3rd degree बर्न होती है जो आपकी चमड़ी को भी पूरी तरह जला सकती है, इसलिए तुरंत ही डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए। विथ केयर एंड कंसिडरेशन वी कैन मेक आवर फेवरेट फेस्टिवल अ मच सेफर वन। सावधानी पूर्वक और थोड़ा ध्यान रखकर हम अपने मन चाहे त्योहार को सुरक्षित कर सकते हैं, यानी पटाखे फोड़ते समय सावधानी बरती जाए तो बहुत ही फायदा हो सकता है। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ अपने यूनिट को पूरा जाहिर करते हैं। अब आगे जो हमारा 6th unit है उसके भाषांतर को हम शुरू करेंगे, तो उसके नोटिफिकेशंस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, और बेल आइकन प्रेस करोगे तो आपको जीमेल पर आपका उसका नोटिफिकेशन मिलना शुरू हो जाएगा।